मेरा नाम है साहिल शेख, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साहिल शेख ब्लॉग्स। तो गाइस आज का शेड्यूल ये है कि आज हम जा रहे हैं पुष्कर घूमने के लिए। पहले ही मैं ब्लॉग बना चुका हूँ जो छट्टी शरीफ की कुल्की फाजा का, और ये सेकंड ब्लॉग है पुष्कर जा रहे हैं उसका अलग से ही ब्लॉग बनाऊंगा, तो ब्लॉग में बने रहना, काफ़ी मजा आने वाला है। तो रिक्शा कर रहे थे पीछे से ही कर रहे रिक्शा पुष्कर जाने के लिए, देखते कितने में क्या होती है, मैं पूरी डिटेल्स दूंगा। किसी ने कमेंट किया था कि पूरी डिटेल्स नहीं मिल रही है, तो इंशाल्लाह आई होप अभी पूरी डिटेल्स मिलेगी आप लोगों को, तो बने रहना ब्लॉग में, ठीक है। चलो बाय। तो देखो फाइनली अभी हम लोग तो पुष्कर तो आ चुके हैं, अपन अभी मैंने बताया नहीं कि गाड़ी का कितना प्राइस हुआ क्या है। देखो ये गाड़ी लेकर आए हैं इको, और इसका जो रेट है वो 900 रुपया लिया है आने जाने का हमारे से, और पुष्कर यहाँ तक छोड़ दें, फिर यहाँ से उसके लिए यहाँ से दो गाड़ियाँ रहती है, एक महिंद्रा थार रहती है और एक रहती है ऊंट गाड़ी। तो दो में से किसी भी एक गाड़ी लेकर जाने जाता, तो अभी प्राइस उसके डिस्कशन चल रही है कि कितना क्या है उसका प्राइस, और फिर वो लेकर भी जो दोनों का रेट निकालेंगे जो हमारे को बेटर लगेगा उसमें जाएगी। मज़ा आने वाला है काफ़ी, बने रहना ब्लॉग में। और वहाँ पर जाकर हम लोग कपड़े उपड़े भी बदलेंगे, मतलब कि कपड़े यहाँ के जो कपड़े हैं वो कपड़े पहनेंगे, अभी उसका नाम तो पता नहीं है पर काफ़ी मज़ा आएगा। चलो देखते हैं जाना हमारे, ठीक है चल भाई। तो देखो हमारे को अभी थोड़ा गाइड करके समझाएगा भाई, भाई का नाम सुरेंद्र सिंह भाई, थोड़ा हमारे को समझाएगा। जैसे सर पुष्कर के लोकल साइड सीन घुमाए जाते हैं रेगिस्तान में, ब्रेक मिलता है राजस्थान में, ब्रेक सूरा भाई रेंट पर नहीं पाए, हॉर्स राइडिंग होता है, ट्री बाइक राइडिंग होता है, और पूरा साइड सीन लोकेशन आपको ऊंट पक्की या जिप में आराम से बैठे बैठे दिखा, ऊँट या पक्की से जाएंगे 8-10 किलोमीटर आना जाना है 1.5 घंटे में, जिप से जाएंगे तो उसके में टूर लंबा रहेगा 25 किलोमीटर का आना। रेगिस्तान में आप ड्रेस वगैरह बाइक रेंट पर मिलता है, पहन सकते हो, बाइक चला सकते हो, ऊँट पक्की से जाएंगे तो 10 किलोमीटर आना जाना, उसमें 25 किलोमीटर आना जाना। पहला पॉइंट पुष्कर सरोवर, क्या ब्रह्मा जी ने बैठ के यज्ञ किया था, पुराना किला जहाँ राजा अकबर अपनी रानी के साथ नृत्य देखते थे, गुलाब का खेती, आम आंबू के बगीचे, दिया बात अगर वहाँ से दिखाते हैं। रेगिस्तान में आप कहेंगे ड्रेस वगैरह बाई रेंट पर मिलता है, आप भी पहन के फोटोग्राफी कर सकते हो, बाइक मिलता है बाई रेंट पर मिलता है। करण अर्जुन मूवी आया उसका लोकेशन दिखाएंगे ठाकुरगा वैली का, फर्स्ट लोकेशन आता है बदलेंगे राजा का जब निकले के बॉर्डर के लिए आओ। बग्गी होता है 5 से 6 मेंबर बैठते हैं, उनके ऊपर ही बैठ सकते हैं पीछे भी बैठ सकते हैं, इसमें मैं एक मेंबर का खर्च जाएगा 500 रुपये आना जाना, इसमें बैठेंगे 400 रुपये एक मेंबर का आना जाना, जीप सफर में एक साथ सब बैठ जाएंगे 8-9 मेंबर, उसमें खर्चाएगा आपका 900 रुपये एक मेंबर का आना जाना दे दिया मतलब। तो फाइनली हम लोग ने अभी गाड़ी कर ली है, देखो महिंद्रा थार है ना, महिंद्रा थार राज भाई ने थोड़ा हमारे को डिस्काउंट करके दिया, अभी वो इनसे डिस्कस करना आने के बाद, ठीक है। और बहुत मजा आने वाला है, चलते हैं अभी चलते हैं, काफी मजा आएगा। चलो फाइनली जा रहे हम लोग, मैं और बासिद है खड़े, बाकी लोग सब लोग यहाँ पर बैठे हुए ब्रो। चलो हम लोग जा रहे हैं महेंद्र थार में, और आगे बैठा है गुफरान, काफी मजा आने वाला है। एक राउंड मारता हूँ खाली, नहीं नहीं खाली। तो फाइनली गाइस मैंने
हम लोग एक फर्स्ट डेस्टिनेशन पर आ चुके हैं जहाँ पे ड्रेस पहनने की ट्राई कर रहे हैं हम सब लोग, जो जो ड्रेस पहनने वाले ड्रेस पहनेंगे और थोड़ा डांस वगैरह भी करने का सोच रही है। देखते हैं जैसा भी रहेगा जो भी रहेगा, काफ़ी एक्साइटमेंट रहेगा। देखो हम लोगों को पता तो यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। तो यहाँ पर है ये गाड़ियाँ, प्राइस काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं, आप लोग बार्गेनिंग कर लेना। फिर ड्रेस है, ड्रेस की प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, आप बार्गेनिंग कर लेना। और यहाँ पे देखो समझा नहीं, डांस इधर बजा उधर डांस तो लगता ही अपने को। तो फाइनली जो है बार्गेनिंग हो चुकी है यहाँ पे कुछ, तो देखो ड्रेस पहना रहे और इधर इधर और मैं इधर का ब्लैक बटा हुआ है। ये ब्लैक पहनने वाला हूँ मैं और इधर साइड और बासित ने पिंक पहना है, सारों येलो, मैं ब्लैक मजा आने वाला है, काफी मजा आने वाला है। फिर इसके पास डांस भी करेंगे भाई अपना, देखेंगे हम लोग पकड़ तो बंद देख सको देख पीना अच्छा लग रहा है, कड़क बहुत कड़क लग रहा है, बहुत कड़क लग रहा है। तो देखो ये लुक रहेगा आज का मतलब थोड़े टाइम का, मचाओ तो फाइनली मैंने ड्रेस मिल जाओ। देखो लुक अगर मुझे मेरा देखने का है तो बासित भाई थोड़ा कैमरा पकड़ो और मेरा लुक दिखा दो ना भाई, ये रहेगा मेरा लुक। तो देखो मैंने ये लुक रहेगा थोड़ा और मजा आने वाला है काफी, तो देखने का लग रहा है क्योंकि सब लोग ड्रेस पहन गए, सबके सब जितने भी हैं मेरा पूरा ग्रुप सब लोगों ने पहना है। जैसे कि मेरा लुक ये हो गया तो बासित का भी मैं लुक देखना चाहूँगा, तो बासित का भी लुक देख लेता। ये है बासित का लुक पिंक, और देखो सब लोग यहाँ पर रेडी हो रहे। देखो आपको स्टॉप ही नहीं दिया क्या? नहीं ना, अरे मैं डालता हूँ, रुको जा रहा ले डाल दे डाल दे डाल दे। बाकी कपड़े निकालने के और हम लोग ने यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा बोलते 200 रुपया ड्रेस का बोलते, पर हम लोग ने तो 70 रुपये कुछ उसमें कुछ एक ड्रेस किया था और सब लोगों ने इंजॉय बहुत ज़्यादा किया। अभी दूसरा डेस्टिनेशन पर चलते, पर GoPro की बैटरी काफ़ी ज़्यादा लो चुकी तो इस वजह से मुझे GoPro चार्ज पर रखना पड़ेगा। सीधा डेस्टिनेशन पर मिलूंगा, काफ़ी ऑफ रोडिंग की मज़ा ले रहे हम लोग थार में, महिंद्रा थार में, और मज़ा आ रहा है। देखो यहाँ पर ही सब लोग हैं, हम लोग दोस्तों को कपड़े निकाल रहे, मैंने निकाल दिए और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा बनाई है इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह, तो आप लोग मुझे अगर फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पर जाओ और फॉलो करो, आप लोगों को देखने मिल जाएगी। ठीक है चलो निकलते यहाँ से, दूसरी डेस्टिनेशन में जाना है, बैटरी ले चुके। ठीक है चलो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा ऑफ राइडिंग की मजा काफी ज्यादा आ रही है, हम लोग मजा भी ले रहे हैं क्योंकि नीचे उतर के कोई वीडियो लेने वाला कोई है नहीं, इस वजह से मैं ही ले रहा हूं ऊपर से, दो जन ले रहे हैं। अब मजा आ रही है काफी ज्यादा, तो देखते हैं भाई ने वीडियो लियो कैसी आ रही हो। ठीक है चलो, तो देखो जैसे कि यहाँ पर ऑफ रोडिंग का मजा मैंने जैसे बताया, और भाई अभी ड्राइवर उतर के आए पीछे और बोल रहे कि यहाँ पे एक शूटिंग हुई थी हमारे को तो बोला, पर अभी वीडियो के सामने फिर से मैं उनसे बुलवाता हूँ। तो देखो यहाँ पे हुआ
हुआ था भैया करण अर्जुन का शूटिंग और दिया बाती बजरंगी भाईजान का, यहाँ पे आप उतर के फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हो। नहीं बहुत वीडियो ले लिया चले तो ठाकुर तो जी ठाकुर तो जी लंबा लंबा घूंघट। अरे छत पे सोया था मैं नहीं कहां पे गिरी तो बहुत ज्यादा मजा लिया। तो देखो अभी क्या पता ठाकुर की हवेली में एंट्री मिलेगी क्या? ए भाई ये क्या है जरा बता दो। ओ लाले इधर ऊपर के मेरा हवेली है भैया हवेली है ठीक है बादशाह भी दुर्जन सिंह का हवेली किधर है दीदी नारायण करण अर्जुन आएंगे 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 कौन के आएंगे 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 जैसे कि आप लोगों ने देखा कैसे यहाँ पर हम लोगों ने बंदर लोग की भी मजा लिया। हम लोग घर पर जा रहे हैं, मतलब अभी जो जैसे गाड़ी क्या नहीं वाली वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ से दूसरी गाड़ी पकड़ के निकलेंगे अजमेर शरीफ के लिए। और चलो बैटरी गोप्रो चार्जिंग पे लगाओ, 5% है, पावर बैंक लेकर आओ तो चार्जिंग पर है और वायर इस वजह से झोला पकड़ के बात करना पड़ रहा है, क्लोज रेंज में बात करना पड़ रहा है। ठीक है अब निकल रहे, गाड़ी नहीं है और वहाँ पर बंदर दिखे तो हम लोग तो फाइनली यहाँ पर आ चुके। देखो हमारी इको वहीं पर अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है तो चश्मा निकाल लेता हूँ वरना बोलेंगे कि अंधेरे में भी चश्मा पहन रहा है, निकाल लिया हो। बस अभी यही सीन था, अब निकल रहे अजमेर शरीफ के लिए, मिलता हूँ अजमेर शरीफ में जाएंगे। ठीक है चलो बाय। तो देखो गाइस मैं जैसे कि बता रहा था आप लोगों को कि आते वक्त मैं अनासागर रुकूंगा तो यहाँ पर अनासागर के पास हम लोग रुके और अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है इस वजह से मैं उस शूट को नहीं करूँगा। तो फिर भी मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अनासागर से भी सारत कर लोगे, ये है अनासागर लेक। ये है पूरा अनासागर लेक, यहाँ पर ही यहाँ से हम लोग जा रहे थे पुष्कर। तो पुष्कर से आते वक्त हम लोगों ने पहले ही सोच लिया था कि पुष्कर से आते वक्त हम लोग रुकेंगे यहाँ पर, तो रुके ज़्यादा कर लीजिए दो तीन दिन हमारे फोटोशूट भी करे वहाँ पर। तो ये सीन तो हो गए, अब हमारी ईगो देखो वहाँ पर रुकी है तो बैठकर निकलते अजमेर शरीफ के लिए। शॉपिंग भी करना है पर इस ब्लॉग में तो मैं नहीं डालूंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है ब्लॉग। ठीक है जैसा भी था जो भी था मैंने बताया आप लोगों को, और अगर आप लोगों को डिटेल्स में ब्लॉग देखना है तो पूरा स्टार्ट से देखना। ठीक है चलो निकलते यहाँ से, ठीक है चलो फाइनली घर पर आ चुके हैं, मतलब कि रूम पर आ चुके हैं। तो बस ये ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक देना, कमेंट करना, बताना कैसा लगा और सब्सक्राइब करो तो सब लोग ठीक है दबा लो। चलो मिलते हैं शांत हम लोगों को पहले बाय, दुआ में अगर हमें बहुत ज़्यादा पसंद आए।